बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नगर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महक ज़ारा। आगाज़ करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद साजिद डहा की रिपोर्ट के मुताबिक लोधड़ा शहर में हसनवाला के रहायशी वसीम अख्तर ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 17 जून को इसकी बेटी 15 साल अरीबा वसीम फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गई, वापस घर न आई। तशवीश लाहक हुई, इधर उधर मालूम किया लेकिन बेटी का पता न चला, जिस पर थाने दरख्वास्त देकर नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस मुबैना तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार ही ना थी। अपने जेब से पैसे देकर बेटी के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई तो इसमें तीन मुलजिमान का बेटी के साथ रबते का पता चला। बताने पर पुलिस ने तीनों मुलजिमान को पकड़ लिया, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने इन्हें मेहमान ख़ास बनाए रखा और 5वें रोज़ बगैर किसी तफ्तीश के इन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुझ पर मुलजिमान से सुलह के लिए जोर दिया, जब मानने से इनकार कर दिया तो तफ्तीशी अफसर जफर दोस्त अराई ने कहा कि मैं जो लिखूंगा SHO DPO और जज ने वही मानना है, जहां मर्जी चले जाओ आपकी कोई नहीं सुनेगा। अरीबा की वालदा ने धमकी दी कि अगर इसकी बेटी को पुलिस ने बाजियाब ना करवाया तो फैमिली के साथ DPO ऑफिस के सामने अपने आप को आग लगा दूंगी। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मदई ने तीन मुलजिमान नामजद करवाए थे, दो अबूरी जमानत पर हैं और तीसरा पाक आर्मी का मुलाजिम है। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अदारे को मरासला भेजा गया है, जैसे ही जवाब आता है कार्रवाई कर ली जाएगी। मोहम्मद नगर न्यूज़ में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए मोहम्मद नगर न्यूज़। इस ईद पाए खूबसूरत है कलर। गार्नियर कलर नेचुरल्स लाया 125 रुपीस का सैशे पैक, अब 4 खूबसूरत शेड्स में दस्तयाब। बाय गार्नियर नेचुरल।